बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद। तामिल इरशाद के साथ साहिल नज़ीर वानी। नाज़रीन, आपको बता दें अभी हम मौजूद है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में। यहाँ पर आज एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बता दें SJRF मॉक ड्रिल ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर द एज ऑफ तहसीलदार पटन साकिब मुर्तज़ा। इस सिलसिले में यहाँ जो फायर एंड एमरजेंसी के ऑफिशल्स होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और डिफरेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी। तो नाज़रीन, आप बराए रास्त इस इवेंट को देख सकते हैं। आए हुए बच्चे और उनके एस्कॉर्ट टीचर्स, मीडिया से वाबस्ता हजरात, बाकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हालांकि कुछ ही अरसा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक स्पेस बनाई इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि तूलो अर्ज हमारे हिंद का है। इसमें बारहा कुदरत आफात में आप देखते हैं सैलाब है, अर्थक्वेक है, फायर से सुनामीज है कि नहीं, तो इनको मिटिगेट हम कर सकते हैं। जैसे फ्लड से एक डिजास्टर है, अर्थक्वेक एक डिजास्टर है, उसी तरह हमारी डेली रूटीन ये जो लाइफ है उसमें आप रोज देखते हैं या फायर्स के वाका जो रोनमा होते हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एक मेजर मिसहैप को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं एहतियाती तदाबीर बरत कर। नाज़रीन, अभी हम मौजूद है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में। यहाँ पर आज SJRF मॉक ड्रिल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो रही है। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ तहसीलदार पटन साकिब मुर्तज़ा के हमारे साथ अभी मौजूद है, इस प्रोग्राम के रिलेटेड जानना चाहेंगे। जी सर, आपका खैर मकदम तामिल इरशाद में। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पर हमारे SJRF टीम जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला से आई हुई है एंड दिस फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली बच्चों को और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो बंदे हैं तो उनको टारगेट किया है यहाँ पे, उनको बुलाया है यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स, जैसे मोर पर्टिकुलरली कश्मीर में जैसे जैसे फायर इंसिडेंट्स होते हैं या फिर फ्लड इंसिडेंट्स होते हैं या फिर अर्थक्वेक के इंसिडेंट्स होते हैं। दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स दैट डू हैपन इन कश्मीर वेरी ऑफन। तो उसी चीज़ को लेके हम यहाँ पे बच्चों को और बड़ों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं कि सर ऑलमोस्ट इस ट्रेनिंग सेशन में कितने स्कूल्स के बच्चे इसमें ट्रेनिंग हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली जाडियो जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर है ऑफिस है यहाँ पे निहालपोरा उस एरिया में जो भी मतलब गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल्स है पर्टिकुलरली जो प्राइमरी एंड हाई स्कूल्स हैं उनको टारगेट किया है और यहाँ पे जोनल ऑफिस जो यहाँ पे आता है जोनल जो पटन है और सिंहपोरा, तो इन तीनों को हमने एक्चुअली पहले भी मतलब कन्वे किया था तो उसी को लेके यहाँ पे इन्होंने बच्चे लाए और अलॉन्ग विद द टीचर्स, तो अभी उन्हीं को हम इम्पार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग इसके रिलेटेड। साकिब मुर्तज़ा साहब, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों की डिमांड भी है, जेन्युइन डिमांड भी, अगर सिंहपुरा ब्लॉक की बात करें तहसील का स्टेट्स है, ब्लॉक का स्टेट्स है, लेकिन फायर सर्विस का स्टेशन नहीं है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है उस चीज़ को लेकर। इस चीज़ को लेकर हाँ, पिछले बार यहाँ पे मिरगुड में भी एक इंसिडेंट हुआ था, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस फायर एंड एमरजेंसी सर्विस पर्सनल्स दैट दे वर एबल टू रीच देयर विद इन द पीरियड ऑफ 10 to 12 मिनट। यस सर, एग्जैक्टली, आई गॉट योर पॉइंट। एट दैट टाइम द फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट फ्रॉम पटन मिंग दे डिड देयर ट्रेमेंडस जॉब, बट आई मीन से दैट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट विलेज ऑफ द पीपल इज दैट देयर शुड बी ऑल्सो ए स्टेशन ऑफ फायर सर्विस एट सिंहपुरा ब्लॉक। इस चीज़ को लेके हमने ऑलरेडी जो हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके साथ भी ये बात की है, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे, दे विल टेक अप द कॉल बिकॉज इट्स टू बी टेकन एट द हायर लेवल्स। तो हमारी ये जो बात है हम इंशाल्लाह उनको पहुँचा देंगे इन रिटन फॉर्म भी, हम उनको ओबियसली आपकी तरफ से भी हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर इफ़ इट्स पॉसिबल एंड फीजिबल, बिकॉज वहाँ से मुजगंड का भी आपको आता है, जो मुजगंड वहाँ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस आता है तो वो एरिया कैटर करता है और यहाँ से पटन भी, तो होपफुली इंशाल्लाह इफ देयर इज पॉसिबिलिटी बिकॉज वी हैव टू चेक ऑल द कोडल फॉर्मेलिटीज, वी हैव टू चेक द एसेसिबिलिटीज एज वेल एज द जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो रिगार्डिंग दैट वी विल इंशाल्लाह कन्वे टू आवर वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैम, तो अकॉर्डिंगली वी विल लेट यू नो। थैंक यू। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे हमसे तहसीलदार पटन साकिब मुर्तज़ा के एस,
जिनसे लोगों की ये भी अपील थी, डिमांड थी लोगों की कि सिंहपुरा ब्लॉक में भी एक फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन होना चाहिए। और यहाँ पर आज ये ट्रेनिंग सेशन में एज चीफ गेस्ट भी मौजूद थे, तो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर जो फायर एंड इमरजेंसी के एक्सपर्ट्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी बच्चों को अवेयरनेस दी है कि एट द सिचुएशन जब कभी भी आग लग जाए या कोई भी डिजास्टर हो जाए, एट दैट टाइम सबसे पहला एक्शन क्या लेनी चाहिए। नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहे। अंडर सेक्शन 46(1), 48(1)(a) ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके तहत आपको गाइडलाइंस दी जाती है किस तरह से आपको अवॉइड करना है जो मुख्तलिफ नागहानी आफात होती है, जो डिजास्टर्स आते हैं। और ये जो डिटेक्टर्स आप देख रहे हैं, इन्हीं डिटेक्टर्स को मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये डिटेक्टर एक इस बिल्डिंग के इधर लगाना, दूसरा उस साइड, तीसरा उस साइड, चौथा उस साइड लगा दिया इस इर्द गिर्द, ठीक है, इनको लगा दिया। मेरे पास ये मॉनिटर है, इसका चलाने के लिए इसको लंबी जगह होनी चाहिए थी, आपको मैं चला के भी दी। ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर को जब मैं हाथ में लूंगा, अगर कहीं कोई विक्टिम लाइव है, अंदर जिंदा है, अगर वो अंदर से हिलेगा मामूली भी, उसकी टांग भी ऐसे होगी, वो हिलेगा थोड़ा, इस मॉनिटर से मुझे बाहर दिखाई देगा कि अंदर कोई जिंदा इंसान है। बात समझ रहे हैं? इवन दो अगर चूहा भी अंदर हिलता है, मुझे इसमें उसकी साउंड और उसके हिलने की वो आवाज दिखाई देगी कि अंदर कोई चीज हिल रही है जो जिंदा है। मतलब मुझे खुद अंदर जाने की जरूरत नहीं। दीज आर द इक्विपमेंट्स, इसको कहते हैं वायरलेस डिटेक्टर। इसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट है, दैट इज कॉल्ड VLC, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। विक्टिम, तब आप लोगों को ये कार्रवाई किस तरह से करनी है, अगर अंधेरा है तब आप लोगों को फुट टू फुट चलना है। मेरी थे मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, इसलिए आपको दिखाई देगा, इसलिए मैं आपको चढ़ा। मेरे पैर दिखाई दे रहे सबको है ना? देखिए आपको अंधेरे में किस तरह से करना है। हमारी आंखों को लाइट तब है जब लाइट है, जब लाइट नहीं हमारी आंखों को लाइट नहीं। अब अंधेरा है, अंधेरे में आपको क्या करना है, पहले इस तरह से देखना है कोई चीज मेरे साथ के ऊपर नहीं टकरा जाए। मेरा नाम इमरोज यूसुफ है और आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पटन में SDRF मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें हमें, जिसका मेन टॉपिक था डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें हमें इस चीज़ की नॉलेज दी गई कि किस तरह ड्यूरिंग ए डिज़ास्टर हम किस तरह अपने आप को हैंडल करें और अपनी जान को बचाए और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं, किस तरह हम ये चीज़ें कर सकते हैं, इस चीज़ की हमें नॉलेज मिली। मोर ओवर हमें ये भी बताया गया कि बहुत डिफरेंट जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी मिटिगेशन प्रोसेस क्या होता है। बेटा किस स्कूल से आए थे? जी हम लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल से आए थे। ओवरऑल आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली बहुत सारे डिज़ास्टर्स के मुताबिक कि हम अपनी जान को कैसे बचा सकते हैं एक डिज़ास्टर जब आता है, और मिटिगेशंस क्या होती है डिफरेंट डिज़ास्टर्स की, ये सब नॉलेज हमें यहाँ पे मिली। बड़ा